अरे वो पुरानी वाली म्यूजिक लगाना तो आज पुराना एरो आई भी आया है। जब से फ्री फायर में वन टैप हेडशॉट का इन्वेंशन हुआ है तब से लेकर आज तक वन टैप से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सभी इस वीडियो में होने वाली है। मतलब अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया समझ लो सब कुछ देख लिया। अच्छा तो वन टैप हेडशॉट के लिए सबसे पहली चीज आती है फायर बटन का साइज। कि फायर बटन का साइज क्या होना चाहिए बेटर वन टैप हेडशॉट्स के लिए। अब देखो आपको रखना है 40-55% के बीच में फायर बटन के साइज को, ठीक है। अब अगर फायर बटन के साइज को हम 70-80% तक बड़ा कर देंगे ना तो उतना ज्यादा वन टैप हेडशॉट्स नहीं लगेंगे। और ऐसा क्यों होता है चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो सबसे मेन पॉइंट आती है जहां से जिस पोजीशन से फायर बटन के हम लोग ड्रैग करते हैं ना उसको हम लोग इनिशियल ड्रैग पॉइंट बोलते हैं। और अगर फायर बटन का साइज छोटा होगा तो वो इनिशियल ड्रैग पॉइंट ना सेम रहेगा, मतलब ज्यादातर एक ही जगह से आप उसको ड्रैग करोगे और इससे ना एमिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बिकॉज हमारे ब्रेन को इनडायरेक्टली ये बात पता रहती है कि हमको शुरू यहीं से करना है, हम कहीं अलग जगह से शुरू नहीं करेंगे। वहीं अगर हम बात करें लार्ज फायर बटन की, जैसे मैंने यहाँ पे 70% रख लिया है, अब यहाँ पे अगर देखोगे ना तो जिस जगह से हम लोग ड्रैग करेंगे ना वो यहाँ पे चेंज होता जाएगा। कभी हम लोग इस जगह से ड्रैग करेंगे, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, क्योंकि हमें पता है हमारा फायर बटन का साइज बड़ा है, हम लोग कहीं से भी ड्रैग कर सकते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स जेस्चर्स की वजह से ना हम लोग उतना अच्छा निशाना नहीं लगा पाएंगे जितना 40-55% अगर हम लोग रखें तो लगा सकते हैं। तो फायर बटन के साइज को 40-55% रख लेना है। और फायर बटन का साइज कम ज्यादा करने से क्या क्या होता है डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। नंबर टू ट्रिक आती है एनिमी के डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग को डिसाइड करना है हम लोग को ड्रैग कितना करना है। देखो एनिमी अगर बहुत ज्यादा दूर है तो हम लोग को हल्का सा ड्रैग करना है, मिड रेंज में है उससे ज्यादा ड्रैग करेंगे, और क्लोज आ जाएगा तो हम लोग को अपने ड्रैग का जो रेंज है वो इंक्रीज करते जाना है। मतलब समझ लो एनिमी के डिस्टेंस को समझो, उस हिसाब से अपने ड्रैग जेस्चर्स को सेलेक्ट करो, मतलब किस तरीके से ड्रैग करना है, कितना ड्रैग करना है, वो चीज समझ गए ना देन वन टैप हेडशॉट बहुत आराम से लगने वाले। लाइक सब्सक्राइब कर लेना अगर ट्रिक्स अच्छी लग रही हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तीसरी वन टैप की ट्रिक आती है फोकस मिस्टेक। ये काइंड ऑफ एक मिस्टेक है, मतलब जब भी लोग ड्रैग करते हैं ना कैसे करते हैं, वो ड्रैग करेंगे उनकी आंख बंद हो जाएगी, फोकस नहीं रहेगा, इवन कहाँ ड्रैग कर रहे हैं उनको उससे मतलब नहीं है, बस एनिमी दिखा और तो मतलब ये मेरे भाई जब तक आपका ड्रैग ना कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका पूरा फोकस ना एनिमी के हेड पे होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एनिमी का हेड इधर है, अब मेरे फायर बटन से मुझे कैसा जेस्चर लेना है मैं यहीं से डिसाइड करूंगा और सीधा वन टैप हेडशॉट दे दूंगा। और नेक्स्ट वन टैप की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है जो हम लोग ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं कि जब भी हम वन टैप हेडशॉट मारते हैं ना उस मोमेंट पे हम लोग अपनी जॉयस्टिक को नहीं टच करते। अब देखो ये टाइमिंग हम लोग को सेट करनी पड़ेगी कि जैसे ही ड्रैग लेंगे वैसे ही जॉयस्टिक को छोड़ देंगे, जैसे ही ड्रैग कंप्लीट होता है हम लोग फिर से मूवमेंट करने लगेंगे ताकि हम लोग का मूवमेंट भी ना रुके और हम लोग यहाँ पे बढ़िया से ड्रैग भी ले पाए। तो अभी तक जो मैंने तीन ट्रिक बताई ना ये तो माइंड ब्लोइंग थी, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक और ट्रिक है जो कि है करेक्ट टाइम पता होना कि कब हम लोग को वन टैप हेडशॉट के लिए ट्राई करना है। तो उस मोमेंट पे वन टैप हेडशॉट लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे पहली बात हमको पता है कि जब एनिमी स्टिल होता है ना तब वन टैप हेडशॉट काफी अच्छे से लगता है। तो उसके लिए हम लोग को बस ये पता करना है कि एनिमी स्टिल कब होता है। एनिमी स्टिल तब होता है जब वो शूट कर रहा होता है, यानी कि फायर कर रहा होता है। तो मतलब अगर एनिमी हम लोग की तरफ फायर कर रहा है गन निकाल के तो उस मोमेंट पे हम लोग अगर वन टैप हेडशॉट ट्राई करते हैं तो लगने के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि वो स्किल है। या फिर किसी और को भी फायर कर रहा है, जरूरी नहीं है हम ही लोग की तरफ फायर कर रहा है, किसी और को भी फायर कर रहा होगा तब भी हम लोग वन टैप हेडशॉट लगा सकते हैं। इसके अलावा जब एनिमी जंप कर रहा होगा, एनिमी जब भी जंप करते हैं ना मतलब टूवर्ड्स अस या फिर हम लोग से दूर, तब भी वन टैप हेडशॉट काफी आसानी से लग जाता है। तो ये दो मोमेंट है जहाँ पे वन टैप हेडशॉट ट्राई करना तो बनता ही है। अगली ट्रिक है कि अपनी खुद की सेंसिटिविटी को समझना। सबके फ़ोन की अलग सेंसिटिविटी होती है। अब मैं ये तो रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपका फ़ोन है ना उसकी सेंसिटिविटी को हाई रखो, बिकॉज देखो एक मिनिमम सेंसिटिविटी तो सबको चाहिए ही है ड्रैग हेडशॉट स्पेशली वन टैप के लिए। तो अगर जनरल सेंसिटिविटी को 100 कर सकते हो देन बहुत अच्छी बात है। और जो जो चीज़ें जो जो ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में आपको बताई है ना उस ट्रिक्स को आपको अपने फ़ोन की सेंसिटिविटी के हिसाब से यूज़ करना है, एडजस्ट करना है, एंड अगर वो सीख गए देन काफ़ी आसानी से वन टैप हेडशॉट आपके लगने लगेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि चैनल की हालत बहुत खराब है। तो अगर इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स आते हैं तो मैं फायर बटन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि उससे क्या फायदे हैं, साइज कम करने के, साइज ज्यादा करने के, सब कुछ। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर फैमिली।